Assalamualaikum दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोग का वेलकम है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे क्या एक मैग्नेट यानी कि मकनाती स्मार्ट वॉच की स्क्रीन को डैमेज कर सकता है, यानी कि हम टेस्ट करेंगे एक स्मार्ट वॉच को मैग्नेट के जरिए कि क्या इसके यानी कि मैग्नेट की वजह से स्मार्ट वॉच के अंदर कोई ख़राबी या कुछ मसले मसाइल पैदा होते हैं, क्या इसकी स्क्रीन लैग करती है या इसके टच में कुछ प्रॉब्लम करती है या इसकी स्क्रीन को कुछ हो जाता है। यही चीज़ें आज हमने चेक करनी है, बकायदा आपको करके दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो काफ़ी कुछ आप लोग मिस कर देंगे। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो का लाइक टारगेट यार 50 लाइक्स लाजमी तौर पे कर देना, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए आज अपने स्मार्ट वॉच को रिस्क में डालने वाला हूँ। और हम ये चेक करेंगे कि आप स्मार्ट वॉच मैग्नेट के करीब या मैग्नेट उसके बिल्कुल पास रख के क्या कुछ इससे डिफरेंस पड़ता है। और अगर चैनल अलीजा टीवी पे बिल्कुल नहीं हो तो यार चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये स्मार्ट वॉच मेरे पास मौजूद है और आज हम इसी स्मार्ट वॉच को चेक करने लगे हैं कि क्या मैग्नेट के करीब लेके जाके इसको कुछ फर्क पड़ता है या फिर ये सही तरीके से वर्क करती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लेके आते हैं एक मैग्नेट और उसको चेक करते हैं अपनी स्मार्ट वॉच के साथ। तो चलिए मैग्नेट लेके मिली, मैं ले आया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट था, तो ये किसी स्पीकर का पड़ा हुआ था मेरे पास काफ़ी देर से। तो आज हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ये स्मार्ट वॉच को कोई नुकसान पहुँचाता है कि नहीं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैग्नेट का टेस्ट करवा दूँ कि आया कि ये मैग्नेट भी बिल्कुल ओके है या नहीं। तो ये एक कील है, तो अभी ये देखिए ये बिल्कुल इसके साथ लग गया है, इसका मतलब मैग्नेट बिल्कुल ओके है। तो चलिए अब स्मार्ट वॉच को इसके करीब करके चेक करते हैं क्या स्मार्ट वॉच कोई ख़राबी पैदा होती है या फिर वो एक अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो अभी इसके पास लाते में स्मार्ट वॉच की स्क्रीन ऑफ हो गई, अब इसको दोबारा ऑन करता हूँ और ये देखिए, और अभी ये फिर तकरीबन बंद हो गई, फिर ऑन किया है तो अभी इसका क्लॉक चल रहा है और इसको मैंने करीब किया। तो दोस्तों इसके करीब करते इसने मुझे बैटरी लो का साइन दे दिया, यानी कि ये मैग्नेट इसके करीब लेके जाके कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ता है इसके कंपोनेंट्स को, और इसका टच भी जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है। आप तो नहीं महसूस कर पाएंगे लेकिन मैं लैगिंग इसकी महसूस कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों सिंपली अफेक्ट यही है कि जो मैग्नेट के थ्रू जो है ना कुछ फ़र्क पड़ता है अब हमारी स्मार्ट वॉच को, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी स्क्रीन के ऊपर करूँ जैसा कि कुछ कलर ब्लिंकिंग हो जाती है, लेकिन स्मार्ट वॉच को कोई भी कलर डिफरेंस नहीं पड़ा, लेकिन इसके कुछ ना कुछ फंक्शन थोड़े वो लैग करना स्टार्ट कर गए थे। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना यार वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कर देना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर देना। मैं इस तरह के न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।